छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के आगे रेलवे लाइन डबल करने का काम शुरू होगा। इसके लिए केके मार्ग पर रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम अब दंतेवाड़ा से आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जहां पर किदम से दंतेवाड़ा स्टेशन के बीच 7 किलोमीटर लाइन दोहरीकरण का काम 4 साल पहले पूरा हो चुका है। इसके आगे दंतेवाड़ा से कमालूर, बचेली व किरंदुल स्टेशन के बीच कुल 45 किलोमीटर लंबा लाइन का दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा, जो कि नक्सली चुनौती के चलते अटका हुआ है, जिसे अब फिर शुरू किया जाएगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा परेशानी दंतेवाड़ा से किरंदुल स्टेशन के बीच 45 किलोमीटर लंबी दूसरी लाइन बिछाने में हो रही है, जहां अर्थवर्क का काम पूरा नहीं हो सका है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहाँ पर दोहरीकरण कार्य पर सबसे ज़्यादा 4 नक्सली हमले इसी हिस्से में दंतेवाड़ा से कमालूर हिस्से में हो चुके हैं। इस रेलवे प्रोजेक्ट के शुरुआत में रेलवे स्टेशन से दंतेवाड़ा नदी पर स्थित पुल की पुरानी लाइन को दाहिनी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद दूसरी लाइन को नदी पर बनने वाले नए पुल से जोड़ा जाएगा। फिलहाल पुल के पिलर बन चुके हैं, जिस पर लोहे के गर्डर रखकर ढांचा तैयार किया जाएगा। रेलवे ने जगदलपुर से किरंदुल के बीच वर्ष 2019 तक लाइन दोहरीकरण का कार्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक 6 बार आगजनी के वारदात के चलते काम नहीं हो पाया है। साथ ही वन विभाग से परमिशन संबंधी अड़चने भी आई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। अब इस रेलवे लाइन को दोबारा शुरू होने से जगदलपुर और किरंदुल में दूसरी लाइन का काम 2-3 साल पर पूरा कर लिया जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।